देखो, हम सब चाहते तो जीवन के प्रति ना एक खोजी दृष्टिकोण रखना पड़ता है। तो जब हम जीवन की गहराइयों को खोजते हैं, उतरते हैं उसमें, और जैसे कि कहा कि जीवन को तो समग्रता से देखने से ही उसके प्रति हमारी सम्यक दृष्टि विकसित होती है। तो संसार में ऐसा नहीं कि कोई दुख है, कोई हम उसको त्याज्य है या निंदनीय है, कोई उससे बगावत करने वाले लोग नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है प्रधानतः सा कि जो है वो जो अध्यात्म के मार्ग पर आ जाते हैं वो तो बागी हो जाते हैं, वो तो संसार छोड़ देते हैं। तो कुछ छूटता नहीं है, बल्कि हम जो है एक असीमता का, एक अनंत का जो अपरिमित है उसका वर्णन करते हैं। और शुरू में तो प्रभावित ही होते, बाद में धीरे धीरे हम प्रकाशित हो जाते हैं। जीवन में कितना ही अंधेरा हो, कई बार जीवन जो है ऐसे यथार्थ रूप से प्रकाशित नहीं होता हमारे सामने। तो जीवन तो अनंत है स्वयं में ही। तो जैसे एक गाड़ी से हम यात्रा कर रहे हैं और माने 8 घंटे तक अंधेरा ही अंधेरा रहने वाला है, तो का आदमी सोचे कि ये इतना अंधेरा है मैं कैसे। तो थोड़ा तो रोशनी है ना हमारे सामने। तो जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं प्रकाश मिलता रहता है हमें। तो इसमें जो है न निराशा है जीवन में, न निरसता है। ये नीरसता भी नहीं और निराशा भी नहीं। हाँ, आदमी को जीवन के लिए एक इमोशनल टच तो चाहिए ही, वो परिवार से मिलता है। यहाँ वही इमोशनल टच आपको अपने गुरु बंधुओं से, गुरु भगिनियों से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। और जो गुरुओं का इमोशनल टच है वो तो बहुत ऊंचा होता है। अभी एक दो बहनों से भी हम आज के इस आह्वान की आहुति की ओर आगे बढ़ते, तो यद्यपि ये आज का विषय कोई प्री प्लान नहीं था, मैंने अनायास सोचा कि अब हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में नए सदस्यों का आगमन हो रहा है। देखो, भौतिक जगत में किसी के घर में कोई एक नया बच्चा आता है ना, किसी बेटा या बेटी को जन्म होता है तो पूरे घर में खुशियां मनाते हैं। तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में बहुत से बेटा बेटियों का आगमन होने वाला है, तो ये तो परम हर्ष का विषय है, अनंत हर्ष का। तो ये तो भाई भौतिक जगत में तो भाई वहां भी खुशियां हैं, तो खुशियां यहां भी हैं। मैंने कहा ना, ना निराशा है ना निरसता है, जैसे अभी ब्रह्मचारी नवीन जी कह रहे थे। तो वहां भी खुशियां हैं, यहां भी खुशियां हैं, लेकिन यहां खुशियां अनंत हैं, असीम है। तो जो हमारी वरिष्ठ बहनें, पहले तो उन्हीं से ही, रूपाली जी या श्रुति जी, जो भी, विष्णु प्रिया जी, मीनाक्षी जी, आइए ना यहीं से अपनी बात कहिए। कोई भी एक उठो, आओ ना रूपाली जी। बहनों में थोड़ा संकोच हो रहा है, तो कह रहे कि पहले वो बोले, तो अच्छी बात है, दे दीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? जी नमस्ते स्वामी जी और सभी कन ओम। अपने बात को पहले मैं एक मैसेज जो मैं पढ़ रही थी स्वामी जी जब मैं घर पर थी उसके द्वारा मैं बोलना चाहूंगी स्वामी जी। ये थोड़ी सी नास्तिक टाइप बात है लेकिन जो है वो है स्वामी जी, जी वो जी मैं प्रस्तुत करना चाह रही हूँ।
कि जब मैं घर पर थी तो एक मैसेज पढ़ रही थी स्वामी जी, बहुत ही फनी सा था कि यदि पिज़्ज़ा गोल है तो वो स्क्वायर बॉक्स में क्यों आता है, जब वो बिल्डिंग है तो फिर उसका नाम बिल्डिंग क्यों रहती है, मतलब ऐसे कोई फनी फनी टाइप था। फिर उसमें एक बहुत ही गंभीर सी बात थी जो हम लोग आध्यात्म जीवन जीने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा पूछते ये प्रश्न को, कि यदि इफ़ पीपल वेर सेंट ऑन दिस अर्थ टू हेल्प अदर्स, वाई आर वी हियर, ठीक है ना, वाई आर दे हियर, यदि वो लोग यहाँ पर है हमें हमारी मदद करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, वो लोग यहाँ पर क्यों हैं, परस्पर सहायता करने के लिए हम तो यहाँ पर आए नहीं, और ऐसा क्यों होगा स्वामी, भगवान भेजेंगे क्यों? तो इसका उत्तर शायद मेरी पात्रता कम है स्वामी जी या पता नहीं मेरे को, लेकिन उत्तर मिल नहीं पाता इस चीज़ का। तो बात मैं ये बताना चाह रही थी स्वामी जी कि उद्देश्य जीवन का बहुत लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन एट लास्ट यदि इस पर बहुत जितना मैं सोची स्वामी जी और जितना मैं सुनी उससे यही पता चलता है कि देने में खुशी होती स्वामी जी, सेवा करने में, जीवन दूसरों के लिए जीने में ज़्यादा मतलब प्रसन्नता होती, उससे ज़्यादा प्रसन्नता शायद ही कोई चीज़ में होती है। अब्दुल कलाम जी भी इस बात को बहुत उससे बोलते थे कि आई फील हैप्पी व्हेन आई गिव, जब जब मैं देता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो स्वामी जी किसी भी इंसान को देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कुछ एक लाइक फिजिकल रिक्वायरमेंट उसकी वो करो, उसकी पूर्ण करो, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को आप उसके रिक्वायरमेंट्स को दो, आप उसको मॉरल रिक्वायरमेंट्स भी उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं, और आजकल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का मतलब इतनी ज़्यादा समृद्धि है सबके पास, किसी को ऐसे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता तो है लेकिन मॉरल रिक्वायरमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा है आजकल लोगों के लिए, और उसको वो चीज़ को देने के लिए गुरुकुल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह, अच्छी जगह है ऐसा सबका मान एक लाइक फैक्ट है ये। तो स्वामी जी एक बात को मैं क्योंकि कोटेशंस थोड़े प्रिय है मेरे को, तो इसलिए एक कोटेशन मैं कोट करना चाहूँगी अल्बर्ट आइंस्टीन जी का, कि वो शब्द मैं थोड़ी भूल रही हूँ स्वामी जी, लेकिन भाव उनका ये है कि इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इन ए सिंपल वे एनीथिंग इन ए सिंपल वे यू डोंट नो इनफ, यदि आप एक चीज़ को आसानी से सरल तरह से आप बता नहीं पाते तो आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानते नहीं, आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वो पर्याप्त ज्ञान के लिए ही यहाँ पर आना आवश्यक है स्वामी जी, किसी दूसरों को कुछ समझाने के लिए पहले खुद को तो स्थिर होना आवश्यक है, और वो टू नो इनफ, वो इनफ जानकारी के लिए यहाँ पर गुरुकुल में आने की आवश्यकता है, ये इनफ जो चीज़ है, पर्याप्त जो चीज़ है, सैटिस्फैक्ट्री जो चीज़ है, वो घर पर भी मिल सकती है लेकिन गुरुकुल में उसकी प्राप्ति कुछ ज़्यादा ही शीघ्र रूप से, और पूरे प्लस पॉइंट्स ही यहाँ है यहाँ पर 99.99%, तो इसलिए गुरुकुल में आने की आवश्यकता है सभी को। और जो हम लोग के भाई बहन अब आने वाले हैं उनके लिए तो और भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनके लिए हम लोग के आचार्य जी और सभी गुरुजन बहुत मतलब पढ़ाने में बहुत सक्षम है, और साथ में एक सीनियर का भी एक ग्रुप बन गया है, तो उनके लिए और भी एक वो है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब जो भी आने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे व्याकरण को एनिमेट करेंगे, उसको जो व्याकरण का 7 ईयर्स का कोर्स था उसको 2 ईयर्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आजकल की बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई है ना स्वामी जी, मेरे को ऐसा लगता है सच में कि वो एकदम 7 साल नहीं पढ़ाकर इंसान को 2 साल भी बहुत पर्याप्त है, तो और संस्कृत का ज्ञान मिल जाएगा सबको। तो मेरे ख्याल से गुरुकुल में आना इसीलिए आवश्यक है कि आप पहले अपने आप को जानो, बाद में आप दूसरों को कुछ बोल पाओगे, आपका फिर बाद में बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपका जीवन ही पर्याप्त हो जाएगा, ऐसा जीवन बोलने लगेगा जी। ओम स्वामी जी धन्यवाद। तो रूपाली जी खुद पहले इंजीनियरिंग किया ना बेटा, तो इंजीनियरिंग किया और वो भी टॉप मार्क्स से, बहुत तीव्र मेधा है इनकी। तो 2-3 बातें बड़ी गहरी कही कि देखो जीवन में हमें, जीवन का तो एक प्रवाह है, उसमें वो तो बहेगा जीवन, तो और उसमें हम देने वाले बने, वैसे तो ये मनुष्य का मूल स्वभाव है, उसकी जो है उसकी रचना ही कुछ ऐसी है कि घर में परिवार में हम सब बांटते ही तो हैं, वो अलग बात है कि हमारा दायरा कितना होता है, दे करके दूसरों को खाना खिला करके, दूसरों को भोजन खिला के, दूसरों को पढ़ा के, दूसरों के लिए कुछ करके, दूसरों को कुछ भी दे के हमें खुशियाँ मिलती हैं, और वो आप
असीम के लिए दे सकें, अनंत के लिए दे सकें, अनंत के लिए जी सकें, तो उस तरफ और उसमें समर्थ बनेंगे तो और ज़्यादा हम दे पाएंगे। जितना यथार्थ रूप से हमारे जीवन सामने प्रकाशित होगा तो उतना हम नॉट ओनली फिजिकली इकोनॉमिकली, हम सोशली इमोशनली स्पिरिचुअली बहुत कुछ दे सकते हैं। देना जो है वो खाली धन के रूप में नहीं होता है, संसाधनों के रूप में नहीं होता है। धन से और संसाधनों से तो हमें क्षणिक खुशियाँ मिलती हैं, जब हम किसी को आध्यात्मिक रूप से कुछ देते हैं तो उसमें अनंत खुशियाँ मिलती हैं, पाने वाले को भी और देने वाले को भी। तो श्रुति जी भी कुछ देंगे अभी, रूपाली जी और विश्व जो है ना क्या नाम है मीनाक्षी जी और विष्णुप्रिया जी, हाँ जी आइए। प्रिया अर्चना जी आप भी कुछ दीजिए। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी के चरणों में और सारे गुरुजनों के चरणों में। जब ये बात आ रही है कि हम इस मार्ग को क्यों चुनते हैं, तो स्वामी जी मैं इसके बारे में इसलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी क्योंकि ये बहुत सरल लगता है, मैंने यही ही तो मार्ग चुनना चाहिए, उस मार्ग को क्यों चुनते हैं पहले ये प्रश्न आ जाता है मन में। तो इसलिए मैं कहूँगी तो बहुत थोड़ा सा भी देखने जीवन को इतना उस चक्र में पड़े या फिर अपने को समष्टि के लिए दान कर दे, तुरंत एक दिमाग में आता है कि हम समष्टि के लिए दान कर दे, हम कुछ बड़ा करें, अपने जीवन को पूर्ण बनाए, सार्थक बनाए, अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा दिव्यता की तरफ लें। तो मेरे को ये इस बात को तो मैं हमेशा आगे रखूँगी कि हमें ये मार्ग को सबसे प्राथमिकता में रखनी चाहिए, उसके बाद से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। अब जब इस मार्ग को प्राथमिकता में रखनी चाहिए तो फिर पतंजलि क्यों, वैदिक गुरुकुलम या कन्या गुरुकुलम या यहाँ पे जो प्रकल्प है ये क्यों? जीवन में प्राथमिकता को जब हम पाना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे तमस और रजस गुण जो कि यहाँ रह रहे के हमारे अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा वैसे अगर टीवी पे जाएगा तो उसके लिए हमें ये बोलना चाहिए, कभी कभी मूडचित मूड ऑफ हो जाना, कभी कभी हमसे होगा या नहीं ऐसा सोच लेना, कभी कभी सोच लेना कि हाँ हम शुरू कर देंगे लेकिन बीच में कंटिन्यूटी उसकी घट जाना, ये सब होता रहता है जो हमें सफलता की तरफ जाने से प्रतिबंधक बन जाता है। शास्त्रों में पढ़े हुए बहुत बात है, सत्वस्थ होना है, बहुत ऊँचे उठना है आदि आदि, शास्त्र में रहते हुए लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब सामने इतने बड़े बड़े गुरु सत्ता दिखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन को शास्त्र अनुकूल नहीं शास्त्र ही बना दिया है, तो मुझे लगता है जीवन में ये सब पाना कोई बहुत बड़ी बात होती ही नहीं है। ऐसा लगता है स्वामी जी के जीवन को देख के मैं क्या करूं, मेरी सारी वो जो शुरू होगी वो आपसे ही शुरू होगी, स्वामी जी गुरु सत्ता से ही शुरू होगी, इसलिए क्योंकि मुझे यही चाहिए था और वही मिला तो मेरा वहीं से शुरू होगा। तो बात इतना है कि हम सोचते हैं ये आध्यात्मिक का ये जो स्थान पाना कितना कठिन है, जीवन में पहुंचना कितना कठिन होता होगा, यहाँ आदमी कैसे पहुंच गया। स्वामी जी इतने सरल है और इतने सहज है, गुरु के रूप में मैं हमेशा उनको ऐसा देखती हूँ कि इतने सरल और इतने सहज है, बस करते गए और हो गया खत्म, बस इतना हमें जानना है कि करते गए और हो गया। अपने जीवन में भी मैं इतना ही उतरना चाहती हूँ, उनका पुरुषार्थ का जो रेट है उसको, उनके सहजता उनकी सरलता, हमारे गुरु सत्ता में गुरु जी हो गए स्वामी जी हो गए दीदी हो गई जो भी गुरु सत्ता में है उनके अंदर सरलता इतनी ज़्यादा है कि वो सामने वाले को सब कुछ दे देते हैं अपने जीवन का सब कुछ, तो इसलिए जीवन को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। बाकी जो आधुनिक भाषा में हमें समझ आती है भौतिकता, तो भौतिकता की तो कमी किसी को दिखती नहीं होगी पतंजलि में, भौतिक के चरम शिखर पर खड़ा है आज पतंजलि योगपीठ, उसकी सबसे बड़ी उसके पीछे जो बेस मुझे हमेशा महसूस होती है वो है सरलता सहजता पुरुषार्थ और जीवन को पूर्ण रूप से देख पाना। जहाँ जहाँ जीवन में लगता है हम बहुत कम कर चुके हैं या फिर कुछ हम अपने जीवन को कंपेयर करने लगते हैं, क्या स्वामी जी ये करते
क्या स्वामी जी यहाँ रहते तो ये करते, वो सब कंपेयर करते करते कमियां हटती जाती है और अच्छे गुण आते जाते हैं। इसलिए सारे भाई बहन जो भी अपने जीवन को बहुत उन्नत व्यक्तिगत स्तर पे बनाना चाहते हैं और भारत के भारत को जो बहुत ऊपर देखना चाहते हैं वो तो जरूर आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में कोई एक भी भारतवासी हो जिसके अंदर भारत के प्रति प्रेम ना हो, हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को मानती हूँ, हमारे सांसों में भारतीयता है, तो इस बात को कभी अनुभव करें और इस बात को जो आज सार्थक कर रहे हैं ऐसे गुरुचरणों में जरूर आए और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए राष्ट्र को उन्नत करें। सभी भाई बहनों से मेरा इतना ही निवेदन। ओम। विष्णु प्रिया जी खुद भी टेक करके आई हैं, तो इन्होंने एक प्रति प्रश्न किया कि हम ये बात कर रहे हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन का वर्णन क्यों करें, तो दो रास्ते हमारे सामने, तो इन्होंने प्रति प्रश्न किया कि हम भौतिक जीवन का वर्णन क्यों करें, ऐसे उसमें क्या खास है कि जो हमें आध्यात्मिक जीवन से उसमें ज़्यादा मिलेगा। देखो व्यक्ति का पूरा जीवन है ना वो लाभ के ऊपर टिका हुआ है, हम जिसमें ज़्यादा बेनिफिट देखते हैं, ज़्यादा फायदा देखते हैं, जिसमें ज़्यादा सुख देखते हैं उसको हम चुनते हैं। तो एक ये भी किसी भी बात को सोचने का, किसी भी बात को जीने का, कहने का कोई भी तरीका हो सकता है। तो ये तो प्रश्न मुझे लगता है ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि भाई हम उस भौतिकता प्रधान जीवन को क्यों चुने, अध्यात्म प्रधान जीवन को, जिस पूर्ण सुख प्रधान जीवन को, पूर्ण शांति प्रधान, पूर्ण समरसता, पूर्ण शुद्धता, पूर्ण प्रेम, पूर्ण करुणा, पूर्ण वात्सल्य प्रधान इस जीवन को क्यों ना चुने। तो मुझे लगता है और भी बहनें बहुत कुछ कहना चाहती हैं, भाई भी कल उनको भी अवसर देंगे कि जिससे कि हम एक जो दिव्य आत्माएं हैं, सब आत्माओं में अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, तो जिन आत्माओं के अंदर अधिक प्रकाश है, जिन आत्माओं को पूर्ण निर्दोष जीवन जीने की तलाश है, सर्वांश में निर्दोष जीवन जीने की तलाश है, जिनको भूमा की तलाश है, अनंत असीम की तलाश है, और जो जीवन को बहुत दिव्यता से जीना चाहते हैं, समग्रता से जीना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस मार्ग पर आएंगे। तो उन आत्माओं का आह्वान किया, सद्देव गुरुदेव भी आशीर्वाद। अपने जीवन को और अपने जगत को और अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने शिष्यों को सतत अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ और अपने संदेश से ओतप्रोत करने वाले हमारे प्रिय स्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा से पतंजलि योग पीठ में वैदिक गुरुकुल और वैदिक कन्या गुरुकुल के नाम से अलग अलग दो गुरुकुल चल रहे हैं। और प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश से श्री स्वामी जी आह्वान करते हैं और आप लोग भी अपने अनुभव शेयर करते हैं उनके साथ, उनको निमंत्रण देते हैं, उनको आप यहाँ पर सीखने के लिए, आप जिस तरह से सीख रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे आप भी अपने भावी साथियों को निमंत्रित करते हैं। हम लोग आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है चरक, उसमें पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के तीन दोष होते हैं और मन के दो दोष होते हैं, वातः
वायु पित्तम कफश्चोक्तम शारीरो दोष संग्रह मानसम पुनरुद्दिष्टम रजश्च तमेव च प्रसाम्यत्योषधि पूर्वो दैवयुक्ति व्यपाश्रयै मानसम ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। शरीर के जो सारी शारीर रोग हैं वो तो वात पित्त कफ आयुर्वेद के अनुसार उनके असंतुलन से होते हैं, और जो मानस रोग हैं वो रजस और तमस के कारण से होते हैं, और उनके इलाज अलग अलग बताए, दैव व्यपाश्रय युक्ति व्यपाश्रय प्रसाम्यत्योषधि और औषध के द्वारा। ये जो शारीर रोग हैं औषध के द्वारा दैव चिकित्सा के द्वारा और युक्ति के द्वारा उनका निराकरण होता है, युक्त आहार विहार के द्वारा। वो एक आयुर्वेद का एक पक्ष है, और आयुर्वेद साथ में मन को भी ठीक करने की बात करता है। तो वहाँ पर कहा कि मानस जो रोग हैं उनका उनकी जो चिकित्सा है रजस और तमस की चिकित्सा के लिए ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि पांच शब्द बोले कि इनके द्वारा हमारे मानस रोगों की चिकित्सा होती है। दूसरी दूसरी जगह भी ये बात इस सूत्र को दोहराया गया है, समग्रम दुखम मायत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम। सारा जो दुख है वो दो के आश्रय से है और वो अविज्ञान में है। समग्रम दुखम मायत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम, दो आश्रय हैं जिसके ऐसा दुख शरीर और मन। समग्रम दुखम मायत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम, दो आश्रय हैं जिसके शरीर और मन आश्रय हैं जिसके, ऐसा सारा का सारा दुख अविज्ञान में छिपा हुआ है। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम, और सारा जो सुख है सारा का सारा जो सुख है वो विमल विज्ञान में